हाय एवरीवन, इग्नू के जून 2024 के जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं उसका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कब आएगा। अभी रिसेंटली इग्नू ने टेंटेटिव डेट शीट रिलीज़ करी है। हालांकि उस डेट शीट में जो डेट्स मेंशन नहीं है वो सिर्फ डे वन, डे टू, डे थ्री इस तरह करके डेट रिलीज़ करी है। और जो आपके असाइनमेंट होने हैं इग्नू के वो मार्च से सबमिट होना शुरू हो जाएंगे। मिड मार्च से भी हो सकते हैं। अब मार्च शुरू होते ही आप कमेंट करने मत लग जाना कि सर मार्च हो गया, आप कब सबमिट होंगे। तो मार्च में सबमिट होना शुरू हो जाएंगे। वो 10 मार्च 15 मार्च के बाद शुरू हो जाते हैं, जो कि लगभग लगभग मिड मई तक कम से कम चलते हैं। और ये असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट होंगे या ऑफलाइन, ये टोटली डिपेंड करता है आपके स्टडी सेंटर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो मार्च के मंथ में ही गाइडलाइंस आ देंगे, उसमें स्टडी सेंटर के अकॉर्डिंग बता दिया जाएगा कि अगर ऑनलाइन करना है तो क्या ईमेल आईडी है या फिर गूगल फॉर्म पे करना है, और अगर ऑफलाइन करना है तो कितने बजे की टाइमिंग है, क्या दिन पे जाके सबमिट करना है। जनरली स्टडी सेंटर में सैटरडे संडे को ही असाइनमेंट सबमिट होते हैं। वो सब गाइडलाइंस आपको मार्च में बता दी जाएंगी। अब एग्ज़ाम जो है इग्नू के एज यू नो जून में ही कंडक्ट होंगे। तो इसका जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है दोस्तों आपका, ये आपका मोस्ट लाइकली फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ मार्च, जी हाँ फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ मार्च से आपको एग्ज़ाम फॉर्म देखने को मिल जाएगा। और लगभग लगभग ये एग्ज़ाम फॉर्म डेढ़ से दो महीने चलते हैं, और जून में फिर आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की टाइमिंग है फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ मार्च। एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस भी होती है आपकी ये लगभग लगभग 200 रुपये पर कोर्स की, यानी कि आपके अगर 8 सब्जेक्ट हैं तो 1600 रुपये आपकी एग्ज़ाम फ़ीस जाएगी, ठीक है। और अभी अगर किसी को डाउट है कि जून 2024 में किसको एग्ज़ाम देना है, तो इतना समझ लो अगर आपका एडमिशन जुलाई 2023 या री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2023 का है तब तो आपको एग्ज़ाम देना ही है। अगर आपका नया एडमिशन जनवरी 2024 के किसी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का है तो भी आपको एग्ज़ाम देना है। दिसंबर 2023 में आपने एग्ज़ाम देने थे बट आप नहीं दे पाए या फेल हो गए तो भी आप जून 2024 में एग्ज़ाम दोगे। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।